नमस्कार, मैं रेनू चौहान और आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। भारतीय इंसान पार्टी के द्वारा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के सभी लोगों ने अपने मुद्दों को जनता के सामने रखा। बता दें कि यह प्रेस वार्ता भारतीय इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीउल्लाह अहमद की अध्यक्षता में हुई। वहीं पार्टी के पूर्वी दिल्ली के लोकसभा प्रत्याशी अमानुल्लाह अहमद ने कहा कि आज राजनीति में ईमानदार और नई सोच के लोगों की जरूरत है, जो लोगों की उम्मीदों पर खरे उतर सकें। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मैं सत्ता में आता हूं, तो वह गरीब, किसान, छात्र, जवान एवं दबे कुचले लोगों के लिए काम करेंगे। पार्टी रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। इसी के साथ पार्टी के सभी पद अधिकारियों ने कहा कि इसके साथ साथ बेसिक सुविधाओं के लिए भी पार्टी काम करेगी, जैसे कि साफ पानी और प्रदूषण मुक्त दिल्ली। वहीं पार्टी ने लोगों से जनसंपर्क साधना भी शुरू कर दिया है और पार्टी का दावा है कि लोगों का बहुत समर्थन मिल रहा है। ऐसे में भारतीय इंसान पार्टी इंसानियत की बात करते हुए जनता से अपील करना चाहती है कि वो अपने वोट का सही जगह इस्तेमाल करें। देखिए, हमको खतरा से तो दूर रहना है, हमको शांति फैलाना है। खतरा और शांति में फर्क है। लोगों को हमको शांति का संदेश देना है। लोकतंत्र खतरे में है या सरकार खतरे में या देश खतरे में, उससे हमको मतलब नहीं। हमको ये है कि हमारा देश में जो है वो शांति आए और शांति फैले। पहले आपके द्वारा 9 कैंडिडेट खड़े किए गए थे 3 राज्यों में, दिल्ली, यूपी और बिहार में। अब आपकी तरफ से 11 कैंडिडेट खड़े किए गए हैं और पहले चरण का चुनाव हो गया है, दूसरे चरण का चुनाव 18 तारीख को है। जी, लास्ट चरण तक हो सकते हैं। हमको जहाँ संगठन मजबूत है वहीं खड़ा करेंगे। पूरे इंडिया में खड़ा करने से फायदा नहीं है। हम वहीं से खड़ा हों जहाँ से हमारा कुछ परिणाम हो, हमको लोग जाने, हमको लोग समझे। पहले चरण में कोई कैंडिडेट आपका चुनाव लड़ा है या दूसरे में कोई लड़ेगा? नहीं नहीं पहला चरण में तो हमारा पर्चा फेल हो गया और दूसरा चरण में है जो कि लड़ेगा, महोबा से है दूसरा चरण में, वो लड़ेगा। तीसरा चरण का भी है, चौथा चरण का भी है, पांचवा का भी है और सातवां का भी है। छठे में इसका मतलब कोई नहीं? छठे में भी है, छठा में दिल्ली है ना, दिल्ली आपका छठा में दिल्ली में है और बिहार में है। हमारे 5 कैंडिडेट छठे चरण में है। आज यहाँ पे आपके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इसका क्या मकसद रहा? मकसद रहा कि हम भी इस देश को बताएं कि हम भी कुछ करना चाहते हैं और जनता के लिए कुछ करें, इसके लिए हम भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मैंने अभी फिलहाल 2 दिन पहले पश्चिमी चंपारण से आया हूँ। 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा में घूम के देखा। एक ही पार्टी के 15 साल से वहाँ सरकार चल रही है। देहात की बात छोड़ दीजिए, जब शहर में रोड नहीं है, नाला नहीं है, तो देहात का क्या बदतर हालत होगा। इसे वहाँ की पब्लिक खुद उब चुकी है। अब पब्लिक का कहना है यहाँ कोई अच्छा प्रत्याशी नहीं आ रहा है, जिसके चलते हमको मजबूरी में इसको वोट देना पड़ता है। वोट दें तो हम किसको दें? इन्होंने तो आज तक पानी पहुंचाया ही नहीं और पूरा भी नहीं किया। इसके लिए हम लोग खुद जो है पानी के मुहैया कराए हुए हैं, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, सब समरसेबल के द्वारा टैंकर प्राइवेट हम लोग भेज रहे हैं उन जनता के बीच, जिनको पानी से समस्या से अभी हल है, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट अभी तक पानी नहीं पूरी की। सर, बात करें प्रदूषण की, तो हमारे देश में, हमारी दिल्ली में जो प्रदूषण बहुत अधिक संख्या में फैला हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले लोग प्रदूषण के कारण जो है बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं या कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्या कहेंगे इस पर आप? इन लोगों ने तो वादा किया कि ये पॉल्यूशन मुक्त कराएंगे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। लेकिन पॉल्यूशन के लिए हम लोग देख रहे हैं, सोच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पॉल्यूशन कम कहाँ से होगा, उस पर हम विचार कर रहे हैं। ये पार्टी छोटी नहीं है, बहुत बड़ी पार्टी है। पार्टी का दिल बहुत बड़ा है। हमारे जेडीयू का दिल बड़ा नहीं है। जीडीओ में कोई ऐसा इंसान नहीं है। नीतीश कुमार है, उन्होंने गद्दारी करके दूसरे उसमें चले गए, मैं उनको छोड़ के चला आया 22 साल के बाद। जीडीओ जो है एनडीए में जुड़कर एक बड़ी ताकत बन गई, इसीलिए हमने उसको छोड़ दिया। हम पसंद नहीं करते, हम पसंद नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। उनकी नीतियाँ हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। बीजेपी की नीतियाँ, बीजेपी की कई हैं ऐसी चीज़ें हैं जो पसंद नहीं आती। एक तो भाईचारा नहीं है, मुस्लिम को मुस्लिम नहीं समझते, किसी कैंडिडेट को टिकट नहीं देते। ये क्या है, ये बहुत बड़ी बात है। को टिकट नहीं देते मतलब? किसी को नहीं दिया। पिछली दफ़ा इलेक्शन में एक भी मुसलमान नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, इसको टिकट दिया। आप बता दीजिए, आप प्रेस वाले हैं, बताइए किसी का नाम सुना है? अरे वो तो एक इनका प्रोटोकॉल है,
इनकी मजबूरी है, एक सिख को रखना, एक मुसलमान को रखना इनकी अपनी मजबूरी है, प्रोटोकॉल नहीं है, ये मजबूरी है इनकी। नहीं रखेंगे तो देश को क्या दिखाएंगे, बाहर क्या दिखाएंगे, बाहर पे दूसरों में जाकर क्या दिखाएंगे कि मुसलमान हमारे यहाँ हैं, सिख हमारे यहाँ हैं, पंजाबी हमारे यहाँ हैं, अन्य जातें हमारे यहाँ हैं, हम सब मिलके जो है वो सरकार चलाते हैं। ये दिखाने वाली बात है, एक आदमी हो पूरे हिंदुस्तान में जो आप बता दीजिए किसी को टिकट दिया हो, और अब भी किसी को दिया हो तो बता दीजिए हमें। आप ऐसी पार्टी, क्या हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं रहते, क्या कुर्बानियाँ नहीं दी मुसलमानों ने, क्या तादाद कम है मुसलमानों की, क्या नहीं है बताइए आप। सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिंदुस्तान में मुसलमानों ने काम किया है, देश के साथ है, फौज में है, सब कुछ है, आदमी को बिल्कुल पीछे रखा जाता है, कैसे इस पार्टी है? मैं नहीं करता पसंद। जो जातिवाद फैला रहे हैं वो वोट लेने के लिए जातिवाद फैला रहे हैं, उन जातियों का शोषण करने के लिए जातिवाद फैला रहे हैं, वोट लेकर सीएम पीएम बन जा रहे हैं और देश में एक जातिवाद का जो झगड़ा फैला रहे हैं, झगड़ा लड़ा रहे हैं अपने देश के जो भोली भाली जनता जनार्दन है, ये 70 सालों से लोग देश की जनता को शोषण कर रहे हैं। तो अब इस देश में पढ़े लिखे नौजवान जितने हैं, महिलाएं हैं, सब पढ़ लिख रही हैं, अब जातिवाद यहाँ नहीं चलेगी, ना धर्मवाद चलेगी, अब चलेगी इंसानवाद चलेगी, अनेकता में एकता चलेगी। यहाँ लोगों को रोजगार चाहिए, जातिवाद नहीं चाहिए, धर्मवाद नहीं चाहिए, यहाँ बच्चों को, नौजवानों को, छात्रों को रोजगार चाहिए, जिससे कि जातिवाद खत्म होगी। और रोजगार के लिए हम लोगों को आईटी सेक्टर, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, अस्पताल, हर चीज़ बनाना पड़ेगा, तभी जाकर बेरोजगारी भी खत्म होगी, और जब रोजगार मिल जाएगा तो कोई जात बात नहीं रह जाएगा। जिस तरह आदिकाल से आज तक इस देश में जातिवाद नहीं रही, अनेकता में एकता का जो विशाल मिसाल कायम किया गया था, आज वो फिर हम लौटाएंगे। भारतीय इंसान पार्टी उसको वापस लाने के लिए संघर्ष कर रही है और करती रहेगी। लोकसभा चुनाव से संबंधित और भी खबरें जानने के लिए देखते रहिए हुंकार 24/7। धन्यवाद।